सम सेलेस्टियल बींग्स टू जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांजेक्शन होता रहता है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। सो आज हम बात करने वाले हैं स्वर्गद्वार के बारे में। पूरी में एक ऐसे एक स्पिरिचुअल प्लेस है, एक क्रिमेशन ग्राउंड है, जैसे आप काशी में देख सकते हैं, काशी में मणिकर्णिका घाट, एंड हर शहर में, हर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस प्लेस में एक क्रिमेशन ग्राउंड होता है, जो माना जाता है कि मुक्ति का जो लास्ट द्वार यही है। मगर पूरी में जो स्वर्गद्वार मीन्स क्रिमेशन ग्राउंड है, उसको हम बोलते हैं कि स्वर्गद्वार। देखिए, हर जगह में जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसका अलग अलग नाम होता है, यहाँ पे बोलते हैं हम स्वर्गद्वार, द गेट टू हेवन। सो ये ऐसे कि नहीं कि हम इसको बोल देते हैं कि स्वर्गद्वार बोल के, इसकी पीछे एक हिस्ट्री है, स्टोरी है, मीन्स ये ओनली एक स्टोरी नहीं है कि हिस्ट्री है, जिससे हमको जहाँ से मिला। तो इसे हम स्टोरी से और ये हिस्ट्री में जाने से पहले एक वीडियो हमने बनाया है, बहुत पहले, अभी तो रिनेशन हो चुके हैं, बहुत पहले रात में एक वीडियो बनाया है सौरभ भाई, मेरा एक अच्छा फ्रेंड जो इंडिया सीक्रेट टूर्स का वो एक गाइड है, वो एक वीडियो बना के भेजे हैं कि उनके बारे में, वो सफदर के बारे में कुछ एक्सप्लोर करते हुए। पहले उसको देखते हैं, उसके बाद हम डीप में स्टोरी में जाते हैं। IndiaSecretTours.com। So, हम अभी जाते हैं स्टोरी में। स्टोरी में जो रहस्यमय जगन्नाथ, सीक्रेट ऑफ जगन्नाथ बुक में ये लिखा गया है कि बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, उस टाइम पे बहुत दुर्भिक्ष था, मीन्स बारिश, एक साल से बारिश नहीं हो रहा था। एट द टाइम ऑफ व्यासा, जो व्यास देव मुनि का टाइम था, उस टाइम पे एक साल तक बारिश नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे ऐसे मीन्स टाइम इकोनॉमिक और फाइनेंशियली और ऐसे टाइम लो था कि एक छोटा सा अन्न ब्रह्म होता, निर्मल्य का दाना एक ब्राह्मण को मिल जाए तो वो अपने आप को बहुत सुखी एंड बहुत जगन्नाथ जी का कृपा मान रहा था, एक दाना के लिए। तो उस टाइम पे मीन्स ये माना जाता है कि देवराज इंद्र आए थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए और वो जाके बाजार में खाए। तो देवराज इंद्र क्यों, आप देखेंगे जब मंदिर में आए होंगे तो देवराज इंद्र का मीन्स पूरा होल पूरी में और मंदिर में उनका बहुत सारे मीन्स मूर्ति एंड बहुत सारे स्टोरीज होंगे, क्योंकि आप देखे होंगे श्री जगन्नाथ ध्यान मंत्र में भी ये लिखा हुआ है कि ब्रह्म रुद्रेंद्र बंध्यम। तो ब्रह्म रुद्रेंद्र इंद्र जिसको मीन्स मेडिटेशन कर जिसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं वो है जगन्नाथ जी, मीन्स चौथा मूर्ति। तो वैसे वो दर्शन करने के लिए आए हुए थे, वो आनंद बाजार में अच्छा वाला खाना खाए, लाइक मीन्स जो अन्न होता है, अन्न ब्रह्म बोलते हैं हम, वो खाए, मीन्स मक्खन एंड राइस दाल सब खाए। खाने के बाद वो ऐसे ही निकल रहे थे जाने के लिए, मंदिर से बाहर से निकल रहे थे। तो जो सेवात होते हैं आनंद बाजार में, उनको बोलते हैं सुवारक। तो उनके पीछे पीछे वो भी चले गए, भाई पैसे तो दे दो यार, मीन्स खाना खाए। तो उसे पीछे पीछे जाके एक जगह में जाके रुके, वो भी
सी शोर जो है समुद्र का जो तट है वहां पर जाके रुके। वो बोले यार मुझे देवराज इंद्र बोले कि यार मुझे पहचान नहीं पाए, मैं इंद्र हूँ, और कैसे क्या क्या लोगे आप, कोई भी विश मुझे मांगिए मैं आपको मीन्स देता हूँ। तो वो तो रहा मीन्स ब्राह्मण स्वरो, तो वो बोला तो पान खा रहा था, वो बोला भाई यार अपने आप को क्या समझ रहा है, अगर तू तो ऐसा ही इंद्र है तो मीन्स मुझे ऐसा एक विश दो जो कि मैं जहाँ चाहूँ जब भी चाहूँ वहाँ बारिश हो जाए। सो इस आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ। देखिए जब एक साल से बारिश नहीं हो रहा था, इंद्र आए खाना खाए, वो इंद्र है वो कुछ भी दे के जा सकते थे, वो दिए नहीं, उसके बदले में उसको बाहर बुला के मीन्स बहुत मंदिर से बाहर लाके एक जगह में लाके मीन्स वहाँ पे उनके विष दिए। तो बारिश नहीं हो रहा था, बारिश होने का एक रीजन बना ये इंसिडेंट, एंड ये इंसिडेंट जो बना उसके बाद ये जो सर्ग द्वारे मीन्स जो बारिश होने का इंसिडेंट ये बना। तो जब वो विष दे दिए तथास्तु कर दिए, तो उस टाइम पे एक ये ऐसे माना गया, ये ऐसे लिखा हुआ कि पुष्प विमान, तो एक फूलों में सजा हुआ विमान आया, तो इंद्रजी उसमें चले गए। वो देख के ऐसे ही रह गया, तो वहाँ पे एक चिन्हित करके आ गया, एक ऐसे मीन्स स्टिक वहाँ पर रख के आ गया। तो उसे कुछ दिन बाद अंधकार में बहुत ज्यादा अंधकार में थे, बहुत ज्यादा धूप हो रहा था उस टाइम पे, बोला हे इंद्र मुझे आपने विष दिए थे तो आज अंधकार में बारिश हो जाए। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुआ, बारिश इतना हुआ कि वो ऐसे वहाँ पे वर्णन किया गया कि 22 जो 22 स्टेप्स है वो फुल होके अरुण स्तंभ तक पानी आ गया। जब लोग जाके देखे तो वहाँ पे अंदर जो स्वर लोग है वो नाच रहे हैं, तो वो बोले फिर से बंद हो जाओ बारिश, वो बंद हो गया। जब ये बात जब राजा को पता चला, जब राजा को पता चला वो बोले यार स्वयं इंद्र आके भरत मीन्स विष दिए तो उनको मिलना पड़ेगा। जब वो राज दरबार में वो स्वर को लेके आए तो वो बोले कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो मैं हम आप आपका सर कलम किया जाएगा। तो वो बोले हे इंद्र आपने मीन्स मुझे विष दिए थे, आज राज दरबार में बारिश होना चाहिए। तो बोलते ही वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गया। वो सुन वो देख के राजा बहुत खुश हो गए, एंड वो उनको उनके बाद से सारे स्टोरी सुने कि यहाँ से ऐसे हुआ था, यहाँ से निकले थे। तो जो चिन्हित करके वो आए हुए थे वहाँ से, जो इंद्र जी जहाँ पे उनको विष दिए थे और जहाँ से वो निकले थे, वही एक द्वार है स्वर्ग का द्वार है। मीन्स अब स्वर्ग से जब भगवान लोग आते हैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, वो भी रास्ते में आते हैं, तो उस जगह को प्रतिष्ठा स्थापित करके वहाँ पर स्वर्ग बनाया गया। अभी तक मीन्स पूरी एक ऐसा है जहाँ पे स्वयं परम ब्रह्म जगन्नाथ एंड चौदह मूर्ति मीन्स रहते हैं, उनको दर्शन करने के लिए शास्त्रों वेदों में भी माना गया कि यहाँ पे आके खाना खाते हैं, उनको दर्शन करने के लिए बहुत सारे भगवान आते हैं। मीन्स ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्वर्ग से सम सेलेस्टियल बींग्स टू जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांजेक्शन होता रहता है पूरी में। तो वहाँ पे वो स्थापित किए स्वर्ग द्वार को, एंड मंदिर में आके एक रिचुअल फिर से एक आर्ट किए, उनको बोलते हैं कि स्वर पीठा, एक स्वीट तैयार हुआ ना जगन्नाथ जी के लिए, वो मीन्स उसका नाम ही स्वर पीठा, मीन्स जो मेघमालिया स्वर मीन्स उनको बोलते हैं, उनका नाम अभी भी है, उनका जो वंशज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं मंदिर में, उनको आप पूछेंगे मेघमालिया स्वर, मेघो मीन्स द बारिश, तो मेघमालिया स्वर उनके नाम में एक स्वीट भी जगन्नाथ जी को ऑफर किया जाता है। तो वो देख के आगे अभी भी आप देखेंगे तो जगन्नाथ जी मीन्स वो सागोदर में जो है वहाँ पे अभी भी देखेंगे तो सागोदर में अभी भी मीन्स वहाँ पे एक है अति बड़ी जगन्नाथ जी का समाधि है। अति बड़ी जगन्नाथ जी कौन है, एक पंच सखा फाइव फ्रेंड्स ऑफ जगन्नाथ संस्कृति, पंच सखा है जगन्नाथ संस्कृति में, वो माना जाता है कि वही भगवत प्राप्ति किए थे, वही जगन्नाथ संस्कृति के गुरु है, गुरुस है जो पांच गुरुस थे, उनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे उनके उसके बारे में। तो पहले सब जाते थे, सब जाते में जब वो प्लेस ही हो गया
तो वहां पे जब ये स्वर्ग का गेट है तो आपको एक रिचुअल और एक प्रोसेस चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, ऐसे तो वहाँ पे कोई पुरुष विमान नहीं आएगा जाने के लिए। तो एक रिचुअल था जो कि मीन्स लास्ट का, जो कि लोगों को मुक्ति दे सके। तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि जो जीवन का अंतिम जो यज्ञ होता है वही होता है, और जो वहाँ पे मीन्स सब दहा किया जाता है, वहाँ पे जो जलाया जाता है सब यज्ञ किया जाता है मीन्स क्रिमेशन ग्राउंड में, वो भी मीन्स जो रिचुअल है वो भी मीन्स बोलते हैं कि महायज्ञ। वो रिचुअल भी ऐसे डिजाइन हुआ है कि आपको मुक्ति के लिए मीन्स वो डिजाइन हुआ है। तो ये था पूरा सबल का कहानी, और आगे भी हम इसके बारे में बहुत सारे बात करेंगे, मीन्स बहुत सारे सीक्रेट्स ऑफ जगन्नाथ जी का वीडियो आ रहा है। एंड आप अगर पूरी आते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं स्पिरिचुअली इन जगहों को मॉडर्न वे में, मॉडर्न लैंग्वेज में, आप इंडिया सीक्रेट टूर्स .com में जाके सौरभ भाई को बुक कर सकते हैं, वो हेल्प करेंगे एंड ही विल अरेंज एवरीथिंग। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मंगल आरती मॉर्निंग में और इवनिंग हम अपलोड कर रहे हैं, प्लीज़ उनको ऑब्जर्व कीजिए, प्रोसेस को ऑब्जर्व कीजिए। एंड अब अगर आप मंगल आरती को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो मीन्स वो आपको बहुत जगना जगह कृपा होता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर अगर आप पूरी पूरी से कुछ चाहते हैं जगन्नाथ जी का मूर्ति, मूर्ति ड्रेसेस अलंकार शंख एंड मैनी उड़ीसा संस्कृत जो पेंटिंग्स है, अगर अगर आप चाहते हैं तो हम आप हमारा वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं www.justcalling.com। अगर और हमारा नंबर भी यहीं पे होगा, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर लीजिए इसको, क्योंकि लोग के पास ये सारे सीक्रेट पहुंचना चाहिए। जय जगन्नाथ, नमस्कार।